कोई बच्चे साथियों कोई मजा नहीं आया हाँ जी, मैं आपके चैनल का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार, यूनाइटेड फ्रंट से हूँ, मेंबर हूँ। आज 618 दिन हो गए हैं हड़ताल के होते हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम अली प्रशासन को, अभी तो ये एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर पहुँचा हुआ है, बाकी वाले अभी पीछे हैं। हमने पहले भी कह चुके हैं कि गवर्नर साहब हमारे साथ इंसाफ कर दो। हमने 25-25 साल इस गवर्नमेंट को दे दिए हैं, हमने अपनी जाने निष्पाप कर दी हैं। हमारे साथी कुछ ऐसे चले गए हैं, उनके पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट कौन कौन दिया। आज 3 दिन पहले एक डेली वेजर टायर हुआ, उसको कुछ नहीं दिया गया, आधार कार्ड दिखाया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ, उसका बकाया कहाँ है? हमने 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, रेगुलर पार्षिक मांग रहे हैं हम, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। ना कोई रियासत मांग रहे हैं, ना हम कोई कुर्सी मांग रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम डेली वेजर को, आज जो जहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 9000 से पेट नहीं भरता, 9000 से पेट नहीं भरता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी अगर रेगुलर पार्षद नहीं दी गई, तो आने वाले दिनों में चुनाव का बिगल बज चुका है। हमने भी अपना बिगल फूंक दिया है कि हम वोट उसी वक्त देंगे जो हमारा पार्षद लेकर आएगा। हमने ये भी तय किया है, हमारी कांग्रेस, PDP, BJP, NC, उन्होंने बहुत हमारा शोषण किया था, इसलिए BJP वाले हमने कुर्सियों पर बैठाए थे। जो कुर्सी पर बैठाना जानता है, वो नीचे उतारना भी जानता है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी हाथ जोड़ के मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी को ये कहूँगा कि 61,000 का भी कुछ दुख सुनिए और उनको रेगुलर कीजिए। मैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो हमारे जुगल किशोर शर्मा जी हैं, आज ही प्रशासन है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि हमें सिरों पर मात्र लगाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से निकाल दिए गए हैं। मैं ये कहूँगा कि हमारी पारसी दे दो, पारसी नहीं, गारवासी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।